दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नतीजों के ऐलान के बाद फूट फूट कर रोया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों की घोषणा होते ही किसी राजनेता के घर पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, तो कोई राजनेता लड्डू खिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो नतीजों के ऐलान के बीच वायरल हुआ है। दरअसल ये वीडियो पंजाब का है, जहां लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे प्रत्याशी नतीजों के ऐलान होते ही रोने लगा है। जलंधर सीट की गल करिए, चौधरी संतोख सिंह इस सीट तो अगे चल रहे ने। नीटू शटर वाला आजाद उम्मीदवार ने साडे नाल मौजूद ने। तुहानू पंज वोटां ही पईआं ने। सर मेरे घर दे नौ वोटां हैगीआं वा ते मैनूं पंज पईआं। सर मतलब परिवार वाले ने वोट नहीं पाई? नहीं सर, मेहनत कीती, लगदा बेईमानी कीती की वोटां दे विच। और ये रोना कोई खुशी या दुखी का नहीं, बल्कि परिवार से मिले जख्मों का है। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 वोट ही मिल पाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रत्याशी ने बताया है कि उन्हें सिर्फ 5 वोट मिले हैं, जबकि उनके परिवार में 9 सदस्य हैं। और ईवीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जरूर इन चुनावों में धांधली हुई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।